नमस्ते एवरीवन. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज रैंक. टुडे वी विल लर्न हाउ कैन वी फाइंड रैंक ऑफ इंग्लिश वर्ड्स हैविंग डिफरेंट लेटर्स, एंड वी विल फाइंड रैंक बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन. तो लेट अस सी हाउ कैन वी फाइंड रैंक ऑफ इंग्लिश वर्ड्स हैविंग डिफरेंट लेटर्स विद हेल्प ऑफ परमुटेशन. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. So students, let we have a word that is mother. Mother, we want to find rank of mother according to dictionary. So what to do? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसका rank find out करने के लिए. Students, you can see in this word mother all letters are distinct. Okay. So first of all we will write all letters in alphabetical order. सबसे पहले हम सभी letters को alphabetical order में लिखेंगे. Okay. तो सबसे पहले देखते हैं, let us see क्या आएगा. सबसे पहले अगर हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस ई, राइट, देन एच, देन एम, देन ओ, देन आर, राइट, एंड देन नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट यहां पे रहेगा दैट विल बी टी. ओके, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आप इस वर्ड के सभी लेटर्स को यहाँ पे लिखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ई आएगा, देन एच, देन एन, देन ओ, देन आर एंड देन टी, राइट. नाउ सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा वर्ड है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है, जो उसका फर्स्ट लेटर है वो क्या है, दैट इज एम. एम, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, अपने जितने भी हमने यहाँ पे लेटर्स यहाँ पे लिखे हैं हम ये देखेंगे कि एम से पहले, एम से पहले क्या हमारे पास लेटर्स अवेलेबल हैं. यस, देर आर ई एंड एच, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई, देन स्टार्टिंग विद एच एंड देन वी विल कम टू एम, राइट. चलिए तो शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ वर्ड्स, वी विल फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई. ओके, क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो एम से शुरू होता है और हमारे पास एम से पहले अभी दो अल्फाबेट यहाँ पे अवेलेबल हैं, डेट इज ई एंड एच. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ई से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स आएंगे, देन एच से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स आएंगे और उसके बाद हमारे पास आएंगे वर्ड स्टार्टिंग विद एम. सो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ई की अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट प्लेस है वो यहाँ पे फिक्स हो गया है कि ई ही आएगा. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाइव यहाँ पे लेटर्स यहाँ पे बचते हैं और फाइव ही हमारे पास प्लेसेस रहेंगे. इन हाउ मैनी वेज वी कैन फिल नेक्स्ट फाइव प्लेसेज विद फाइव लेटर्स, इन फाइव पी फाइव वेज, दैट इज वन इंटू फाइव फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, राइट. नाउ नेक्स्ट वी कम टू नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एच, क्योंकि आपके पास एम से पहले ई और एच आपके पास यहाँ पे दो लेटर्स अवेलेबल थे. तो पहले मैंने ई से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स लिखे एंड नाउ आई विल राइट ऑल वर्ड स्टार्टिंग विद एच. ओके, so now number of words starting with h, right students. और बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, अगर h से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिख रहे हैं तो फर्स्ट प्लेस आपका फिक्स हो गया h एंड रिमेनिंग फाइव प्लेसेज, फाइव प्लेसेज और आपके पास h को छोड़ के बाकी पांच आपके पास लेटर्स बचेंगे. सो इन हाउ मेनी वेज वी कैन फिल रिमेनिंग फाइव प्लेसेज, इन फाइव पी फाइव, दैट इज वन इंटू फाइव फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, राइट. और अब हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें एम चाहिए और हमें एम मिल जाए, क्योंकि एम से पहले ई और एच था और दोनों से स्टार्ट होने वाले हमने सभी वर्ड्स यहाँ पे लिख लिए. नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम, तो हमारा जो एम यहाँ पे टारगेट था, फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया, हमें एम मिल गया. नाउ जैसे हमें अपना फर्स्ट टारगेट मिलता है हम एकदम से अपने सेकेंड टारगेट की तरफ मूव करेंगे. नाउ नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नाउ एम के बाद हमें क्या चाहिए, ओ, अवर रिक्वायरमेंट इज ओ. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या देखना है, एम हमारे पास आ चुका है तो हमने ये देखना है और हमें चाहिए क्या, ओ. तो अब आपने जो ये ऑर्डर में आपने जो लेटर्स लिखे हैं यहाँ पर हम एम, एम को छोड़कर, एम को अभी छोड़ देंगे हम यहाँ पे, एम को छोड़कर ओ से पहले, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वह ओ है, तो हम एम को छोड़कर ओ से पहले देखेंगे कि कौन कौन से लेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. तो लेट अस सी, तो यहाँ पे एम को छोड़ दिया हमने और ओ से पहले अगर आप देखें तो एम को छोड़कर इसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ओ से पहले हमारे पास दो लेटर अवेलेबल हैं, एक ई और एक
एच, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम ई एंड देन वी विल कम टू नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम एच, और उसके बाद हमें अपना सेकेंड टारगेट मिलेगा दैट इज नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम ओ, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको फर्स्ट टारगेट आपको एम मिल गया था, उसके बाद आपको ओ चाहिए। तो आपने इस पूरी सीरीज में ये देखना है कि एम को छोड़कर ओ से पहले, एम को हमने छोड़ दिया, ठीक है, एम को छोड़ दिया, ओ से पहले ई और एच अवेलेबल है। तो पहले एम और एम ई, जो एम ई से जो स्टार्ट होते हैं वो वर्ड्स आएंगे, देन एम एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, एंड देन वी विल कम टू द वर्ड स्टार्टिंग विद एम ओ, ओके। चलिए तो नाउ लेट अस फाइंड नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम ई। तो अब यहाँ पे आपके पास कितने प्लेस फिक्स हो गए, टू प्लेस फिक्स हो गए। तो फर्स्ट टू प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन वन इंटू वन, ठीक है, वन इंटू वन दैट इज वन वे। एंड रिमेनिंग प्लेसेस कितने बचेंगे आपके पास, फोर लेटर्स होंगे, फोर ही प्लेसेस होंगे। सो इन हाउ मेनी वेज, फोर पी फोर, सो इट विल बी वन इंटू फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, राइट। एंड इन द सेम मैनर नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम एच, सेम कि जो फर्स्ट टू प्लेस हैं वो फिक्स हो गए, और जो बाकी फोर प्लेसेस हैं दैट इज फोर पी फोर दैट इज वन इंटू फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। एंड नाउ वी विल कम टू अवर टारगेट, हमें ओ भी मिल गया, राइट। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है, जैसे ही हमें अपना सेकंड टारगेट मिलता है, जैसे ही हमारा टारगेट कंप्लीट होता है, हमें नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव करना है, अपना नेक्स्ट टारगेट के लिए सर्च करना है। सो नेक्स्ट हमारा है टी, ओके। अब हमें क्या चाहिए, ओ के बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज टी। एम और ओ हमें मिल चुका है, राइट। तो एम और ओ को छोड़ दीजिए, अभी सीरीज में एम और ओ को छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट टारगेट हमारा टी है। तो एम और ओ को छोड़कर टी से पहले देखिए क्या क्या अवेलेबल है आपके पास, एक ई एच और आर, ई एच और आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम ओ ई, देन एम ओ एच, देन नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम ओ एच, देन वी विल कम टू नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम ओ आर, एंड देन हमारा जो टारगेट हमें मिल जाएगा दैट इज नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम ओ टी, राइट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम ओ ई फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट थ्री प्लेस हैं वो आपके फिक्स हो गए, तो वन इंटू वन वे में हो जाएंगे। एंड रिमेनिंग कितने आपके पास प्लेसेस बचते हैं, रिमेनिंग प्लेसेस आपके पास थ्री हैं और लेटर्स भी आपके पास थ्री हैं। इन हाउ मेनी वेज, इंटू थ्री पी थ्री, सो इट विल बी वन इंटू सिक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स। सिमिलरली इट विल बी वन इंटू वन, इंटू वन दैट इज थ्री पी थ्री इज इक्वल टू वन इंटू सिक्स, सॉरी थ्री पी थ्री आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके, थ्री फैक्टोरियल, and 3 factorial is equal to 6. Similarly, it will be 3 factorial is equal to 6. It will be 1 into 1 into 1 into 3p3. That is 1 into 3 factorial is equal to 6. Right, students? और अब हमारा जो target है, that is T भी हमें मिल गया. Now, जैसे हमारा third target complete हो गया, फिर हम अपने fourth की तरफ देखेंगे हमें क्या चाहिए next T के बाद. Our requirement is H. Okay? तो सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि हमें H चाहिए, तो यहाँ पे हमें M, O और T मिल चुका है, तो M और T को छोड़ दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। और इस सीरीज में देखिए कि M, O और T को छोड़कर H से पहले क्या अवेलेबल है, तो H से पहले सिर्फ आपके पास क्या है, E, ओनली E, सिर्फ E ही है आपके पास। तो वी विल राइट दैट इज नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद M, O, T, E, राइट। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद M, O, T, E वाले पहले वर्ड्स लिखेंगे, ओके, and then we come to number of words starting with M O T H. Now we will come to our target that is H. तो पहले हम M O T H E वाले सभी words लिख लेते हैं. So हमारे पास कितने यहाँ पे letters आ गए हैं, four हमारे place fix हो गए हैं, तो one into one into one into one, and next हमारे पास two ही places होंगे और two ही letters होंगे, तो in how many ways, 2p2 that is 1 into 2 factorial is equal to 2, right. एंड स्टूडेंट्स नाउ एच भी हमारा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और एच भी हमें मिल चुका है यहाँ पे, राइट। नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट टारगेट। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें ई चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे एम ओ टी एच को छोड़कर क्या ई से पहले कुछ अवेलेबल है, नथिंग, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जब कुछ अवेलेबल है ही नहीं तो ई ही लिख लेंगे, राइट। वी विल राइट हेयर ई, ओके, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, ई भी हमें मिल गया। नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट टारगेट, लास्ट हमें आर चाहिए। तो क्या इन पांचों को छोड़कर आर से पहले आपके पास कुछ अवेलेबल है, नथिंग, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो वी विल राइट आर। तो हमें हमारा मदर जो हमारा वर्ड है हमारा कंप्लीट बन गया,
एंड दिस इज इक्वल टू 1. नाउ फाइनली ऐड कर लीजिए इन सभी नंबर ऑफ वेज को, ऐड कर लीजिए और ऐड करके आपके पास आ जाएगा रैंक ऑफ मदर. तो लेटेस्ट इसको ऐड करके कितना आएगा, दैट इज 240 राइट. 24 + 24 = 48 एंड इट विल बी 18 + 20 + 21 एंड आवर रिजल्ट विल बी यस 309. सो रैंक ऑफ मदर विल बी 2309. सो रैंक ऑफ मदर इज 309. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल कि किसी भी वर्ड का रैंक फाइंड आउट करना अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, इट इज़ वेरी सिंपल. तो लेट अस रिवाइज इट कि हमने इसको कैसे किया है. सबसे पहले आपको जिस भी वर्ड का रैंक फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि आज हम जिस भी वर्ड का रैंक यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे उसके सभी लेटर्स यहाँ पे डिस्टिंक्ट हैं, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सबसे हमने पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी वर्ड्स सभी लेटर्स को यहाँ पे लिखा और उसके बाद हम अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम करेंगे. सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो एम से स्टार्ट हो रहा है, राइट. एंड एम से पहले हमारे पास ई और एच अवेलेबल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ई, राइट. तो पहला हमारा जो प्लेस है वो फिक्स हो गया और बाकी जो 5 प्लेसेस हैं वो 5 लेटर्स की हेल्प से फिल हो जाएंगे. दैट इज 1 × 5 × 120. सिमिलरली नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एच, 1 × 5 × 5, दैट इज इक्वल टू 1 × 5 × 120. नाउ वी कम टू अवर फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमें एम मिल गया है. तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम, ओके. जैसे ही हमारा टारगेट कंप्लीट होता है हम नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव करेंगे, अपन नेक्स्ट टारगेट सर्च करेंगे. तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ओ है. तो हमने सीरीज में एम को छोड़कर ओ से पहले देखना है क्या क्या अवेलेबल है ई और एच. तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम ई, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम एच एंड देन वी कम टू नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम ओ. ओ हमारा जो टारगेट है हमें मिल जाएगा. तो एम ई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स लिखेंगे तो फर्स्ट 2 प्लेस फिक्स हो जाएंगे, बाकी 4 प्लेसेस 4 लेटर्स इन 4P4, दैट इज 24 वेज. सिमिलरली नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम एच आ जाएंगे 24. तो ओ हमें मिल गया. तो जैसे सेकंड टारगेट कंप्लीट हुआ थर्ड की तरफ मूव करेंगे, थर्ड हमें टी चाहिए. तो एम और ओ को छोड़ दिया और टी से पहले देखेंगे क्या क्या अवेलेबल है ई एच और आर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम ओ ई, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम ओ एच, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम ओ आर एंड देन वी विल कम टू नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम ओ टी. टी हमको टारगेट मिल जाएगा. तो तीनों केसेस में ही जो आपके 3 लेटर्स हैं, जो 3 प्लेस हैं वो फिक्स हैं और बाकी जो 3 प्लेसेस हैं उनको हम फिल करेंगे इन 3P3 वेज एंड वी विल गेट 6. इन ऑल 3 केसेस वी विल गेट 6 6 6. एंड नेक्स्ट जैसे हमें टी मिल जाएगा, नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा एच. तो एम ओ और टी को छोड़कर एच से पहले ई अवेलेबल है सिर्फ. तो एम ओ टी वाले वर्ड पहले हम यहाँ पे लिखेंगे. तो 1 × 1 × 4 1 × 1 × 1, दैट इज 4 प्लेसेस हमारे जो है वो फिक्स हो गए हैं और बाकी 2 प्लेसेस इन 2P2, दैट इज 2 factorial, दैट इज 2 वेज. तो उसके बाद हमें यहाँ पर एम ओ टी एच भी मिल गया. नेक्स्ट हमारा टारगेट ई है, लेकिन इन चारों को छोड़कर ई से पहले कुछ भी अवेलेबल नहीं है, नथिंग. तो वी विल राइट ई एंड देन इन पाँचों को छोड़कर आर से पहले कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो वी विल राइट आर डायरेक्टली. एंड हमारे पास ये कंप्लीट वर्ड 1 यहाँ पे नंबर 1 लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि कंप्लीट वर्ड हमारे यहाँ पे बन गया है. सबको ऐड कर देंगे, 309 हमारे पास आ जाएगा रैंक ऑफ वर्ड मदर, राइट स्टूडेंट. चलिए इसमें एक और क्वेश्चन अभी करते हैं. यहाँ पे एक और यहाँ पे लेके चलेंगे अभी वर्ड, दैट इज रैंक ऑफ रैंडम. एक रैंडम वर्ड का भी यहाँ पे रैंक फाइंड आउट करते हैं. तो लेट इज फाइंड रैंक ऑफ वर्ड रैंडम. चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे वर्ड है दैट इज यस. सो नाउ वी विल फाइंड रैंक ऑफ वर्ड रैंडम. सो सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड, ठीक है. बिल्कुल जैसे अभी हमने किया बिल्कुल उसी प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे. तो अभी बताया मैंने आपको सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या रहेगा. जिस भी वर्ड का हम यहाँ पे रैंक फाइंड आउट करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ओके. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यस ए, देन यस डी एंड देन एम एन ओ आर, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या हमारे पास कोई वर्ड यहाँ पे रहता है, नो. कोई लेटर हमारे पास नहीं रहता रिमेनिंग, नो. वी हैव रिटन ऑल. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखने हैं यहाँ पे सबसे पहले ए, उसके बाद डी, देन एम, देन एन, देन ओ एंड देन आर. और अगर यहाँ पे हम बात करें हमारा जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है आर से और आर सबसे लास्ट में, यहाँ पे सीरीज में अगर देखें तो सबसे लास्ट में आर आता है.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए, देन नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद डी, देन स्टार्टिंग विद एम, देन स्टार्टिंग विद एन एंड देन स्टार्टिंग विद ओ, राइट? सो चलिए तो स्टार्ट करते हैं. नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए. तो सेम आपका जो फर्स्ट प्लेस है वो यहाँ पे फिक्स हो गया है वन वे, एंड रिमेनिंग 1, 2, 3, 4, 5 प्लेसेस हैं और 5 लेटर्स हैं. इन हाउ मेनी वेज? वेल, 20. नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद डी, सिमिलरली 1 into 5 p 5, क्योंकि फर्स्ट प्लेस सभी का फिक्स हो गया और रिमेनिंग 5 के लिए आपके पास 5 ही प्लेसेस हैं और आपके पास 5 ही लेटर्स हैं. नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम, 1 into 5 p 5, इट इज 1 into 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120. नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एन, 1 into 5 p 5, इट इज 1 into 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120. नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ओ, दैट इज 1 into 5 p 5, दैट इज 1 into 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120. और स्टूडेंट्स, अब हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया. हमें आर चाहिए, तो आर हमें यहाँ पे मिल गया है, दैट इज हमारा फर्स्ट टारगेट आर. ठीक है, सो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद आर. ठीक है, अब जैसे फर्स्ट टारगेट मिलता है हम सेकेंड टारगेट की तरफ मूव करेंगे. सेकेंड टारगेट हमारा क्या है? ए. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आर को छोड़कर क्या ए से पहले कुछ अवेलेबल है? आर को छोड़ दिया, ए से पहले नथिंग, कुछ भी अवेलेबल नहीं है. तो कुछ भी अवेलेबल अगर नहीं होता तो उसी लेटर को हम यहाँ पे लिख देते हैं ए. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टारगेट. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? एन चाहिए. तो आर और ए हमें मिल चुके हैं, तो आर और ए पे क्रॉस लगा दीजिए, वो हमें मिल चुके हैं. तो आर और ए को छोड़ दीजिए और ये देखिए एन से पहले, नेक्स्ट टारगेट हमारा एन है. आर और ए को छोड़कर एन से पहले क्या क्या अवेलेबल है? डी और एम. तो वी विल राइट वर्ड स्टार्टिंग विद आर ए डी, देन नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद आर ए एम, एंड देन वी विल कम टू नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद आर ए एन. हमारा टारगेट यहाँ पे हमें एन मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ पे पहले वर्ड्स लिखते हैं. 3 प्लेसेस फिक्स हो गए और बाकी 3 सेम 3p3 वेज. सो इट विल बी 1 into 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6. सिमिलरली यहाँ पे भी 3 प्लेसेस फिक्स और बाकी 3p3, दैट इज 1 into 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 वेज. तो n हमारा टारगेट हमें मिल गया. नाउ n पे भी क्रॉस लगा देते हैं क्योंकि n हमें मिल चुका है. नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज d, हमें d चाहिए. तो इन तीनों को छोड़कर, r a n को छोड़कर, d से पहले क्या कुछ अवेलेबल है? सीरीज में देखिए क्या d से पहले कुछ अवेलेबल है? नथिंग, कुछ भी अवेलेबल नहीं है. तो वी विल राइट d. तो अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं होता तो उस लेटर को आपने लिखना है. तो d भी हमें मिल चुका है. नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? o. तो d पे भी क्रॉस लगा देते हैं क्योंकि d हमें मिल चुका है. तो इस सीरीज में आर ए एन और डी को छोड़कर क्या ओ से पहले कुछ अवेलेबल है? ओ से पहले यस, एम अवेलेबल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम, ठीक है, एम लिख देंगे यहाँ पे. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास यहाँ पे 5 प्लेसेस तो आपके फिक्स ही हो गए, आर ए एन डी एम. और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास एक ही लेटर बचता है और एक ही स्पेस, आपके पास एक ही लेटर बचता है और एक ही आपके पास प्लेस बचता है. तो वी कैन राइट हेयर ओ. तो ये आपके पास एक वर्ड यहाँ पे बन गया. ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे जो वर्ड बनेगा, डेट इज नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वर्ड बन जाएगा आर ए एन डी और हमारा टारगेट हमें क्या मिल जाएगा? ओ. राइट, तो यहाँ पे अगर जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ओ लिख दिया, ठीक है, अगर यहाँ पे आप ओ नहीं भी लिखेंगे तभी मैं आपको करके दिखाती हूँ. ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद आर ए एन डी एम निकालते हैं तो आप देखें आपके 5 प्लेस तो फिक्स हो गए यहाँ पे 1 into 1 into 1 into 1 into 1 वे में. और उसके बाद सिर्फ आपके पास एक ही लेटर है और एक ही स्पेस बचेगा आपके पास, दैट इज ओ के लिए. तो वन में ही आएगा, तो तब भी आपके पास 1 is equal to 1 ही आएगा. राइट, चलिए नाउ वी कम टू अवर टारगेट, दैट इज हमारा जो टारगेट है, दैट इज हमें क्या मिल गया यहाँ पे, हमें क्या चाहिए था? जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था, हमें ओ चाहिए था. तो हमें ओ भी मिल गया, आर ए एन डी ओ. राइट, और उसके बाद क्योंकि हमें ये पाँचों के पाँचों हमारे जो टारगेट हैं, फर्स्ट 5 वो कम्प्लीट हो चुके हैं, इन पाँचों को छोड़कर अब हमें एम चाहिए. क्या एम से पहले कुछ अवेलेबल है? नथिंग, एम से पहले कुछ होगा ही नहीं क्योंकि सारे यहाँ पे हमें मिल चुके हैं. तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे हम एम ही लिखेंगे और हमारा जो वर्ड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई. एंड दिस इज इक्वल टू 1 और इनको ऐड कर लेते हैं. यस, इट विल बी 240. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 600 एंड इट विल बी 12 एंड दिस विल बी 614. दिस इज रैंक ऑफ वर्ड रैंडम.
तो रैंडम वर्ड का जो रैंक है आपके पास आ गया है 614. तो स्टूडेंट इट इज़ वेरी सिंपल एंड इन दिस वे यू कैन फाइंड रैंक ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इन विच ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट बाई यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन. राइट स्टूडेंट्स, सो डू प्रैक्टिस एट योर होम्स एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक. स्टे सेफ. थैंक यू.